हेलो दोस्तों, एम एस सिविल स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो कम्युनिकेशन स्किल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम या डिप्लोमा एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। सो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन स्किल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें हमारा सबसे फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब समझाइए। तो इसका विच मीन्स टू शेयर नॉलेज, फीलिंग एंड आइडियाज, इंफॉर्मेशन, व्यू एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन का मीन्स होता है कि नॉलेज, आइडियाज आदि को शेयर करना। एंड हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पूछा है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट है हमारा जनरल कम्युनिकेशन, एंड सेकेंड है हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन, एंड थर्ड है हमारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तो हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज ओरल एंड राइटन कम्युनिकेशन? तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ओरल और राइटन कम्युनिकेशन है वो क्या है। तो हमारा फर्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन, जो हम बोलते हैं तो वो हमारा हो गया ओरल कम्युनिकेशन, एंड जो हम लिखित करके देते हैं वो हमारा हो गया राइटन कम्युनिकेशन। तो इन दोनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। एंड हमारा फोर्थ नंबर है, तो इसमें हमारे कई भाग हैं। तो फोर्थ में है वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल कम्युनिकेशन। एंड हमारा सेकेंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड हमारा फिर सी नंबर है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड हमारा फिर इसके बाद नेक्स्ट है जो कि डी नंबर है, टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो फर्स्ट है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन इज विच द सेंडर यूजेज वर्ड इन ट्रांसमिटेड टू मैसेज। तो ये हमारा हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नॉन वर्बल की बात करते तो इसमें हम सेंडर जो मैसेज ट्रांसमिट करता है वो रिसीवर को आता है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। एंड हम नेक्स्ट की बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हम फर्स्ट बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये इफेक्टिव ड्यू टू टाइमली होता है, मतलब टाइम के सेट पैटर्न पे एक होता है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन, और जो टाइम के एक सेट पैटर्न पे नहीं होता वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। एंड हम बात करेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन की। तो टेक्निकल वर्ड्स मीन्स होता है कनेक्टेड विद द प्रैक्टिकल यूज ऑफ मशीनरी, प्रोसेस एक्सेट्रा इन साइंस एंड इंडस्ट्री में। तो मतलब हम टेक्निकल में, जैसे हम फ़ोन से किसी बात करते हैं तो टेक्निकल हो गया। एंड हम नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ नंबर की, तो वो हो गया व्हाट इज नॉइस बैरियर। तो इसमें पूछा है नॉइस बैरियर क्या है। तो जो जैसे दो लोग बंदे बात कर रहे हैं तो उसमें जो तीसरा बंदा बोलता है तो वही नॉइस बैरियर है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सिक्स नंबर की, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जेस्चर कम्युनिकेशन? तो जेस्चर कम्युनिकेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड सेवन नंबर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन? तो टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली टेक्निकल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है, जैसे किसी हम मीटिंग या सेमिनार को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें जो माइक द्वारा या हम मीटिंग को जो अपने मोबाइल फ़ोन द्वारा करते हैं तो वो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। एंड जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं तो कोई सेमिनार हो गया तो वहाँ पे टेक्निकल। एंड नेक्स्ट हमारा हो गया एट नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज बैरियर टू कम्युनिकेशन? तो इसमें हम बात करेंगे कि बैरियर्स क्या हैं। एक एग्जांपल के बारे में बात करें तो दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा बंदा उस पर
कोई बैरियर जनरेट करता है तो वो कम्युनिकेशन बैरियर हो गया। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करेंगे टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें टूल्स के बारे में लिखना है। एंड हम 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा जनरल कम्युनिकेशन क्या है, तो इसके बारे में उसने पूछा हुआ है। जनरल कम्युनिकेशन मीन्स होता है ट्रांसफरिंग ऑफ जनरल आइडियाज व्यू फीलिंग वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के या पर्सन के पास जो आइडियाज फीलिंग व्यू शेयर करेंगे उसी को बोलते हैं जनरल कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड अपने दोस्तों के पास जल्द से जल्द शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।